हेलो एंड वेलकम टू मोटर ओरिजिन। आज की इस वीडियो में इंडिका की रिपेयरिंग के एक नए एपिसोड में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं इंडिका व्हील बियरिंग का रिप्लेसमेंट कैसे करना है। बेसिकली आपके पहले बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप जो है प्रोसेस को थोड़ा स्लो दिखाया करिए, फास्ट फॉरवर्ड ना किया करिए, इसलिए इस वीडियो को मैं तीन पार्ट में बना रहा हूं। पहले पार्ट में हम पूरी जो व्हील हब है उसको बाहर निकालेंगे गाड़ी में से। दूसरे पार्ट में हम जो उसको लेथ मशीन पर ले जा करके नई बियरिंग को, पुरानी को निकाल करके नई को इंस्टॉल करेंगे। वेयर एस तीसरे पार्ट में आपको देखने को मिलने वाला है पूरा इंस्टॉलेशन। बट तो भरते हैं हम पहली पार्ट की तरफ। पहले पार्ट में आपको जो है हम बेसिकली व्हील बियरिंग खराब क्यों होती है। व्हील बियरिंग बेसिकली कुछ किलोमीटर्स के बाद खराब हो जाती हैं, चाहे आपकी गाड़ी 80,000 टू 1 लाख किलोमीटर चल जाए या फिर आपकी गाड़ी ज़्यादा खड़ी रहती है तो भी आपकी जो व्हील बियरिंग खराब हो जाती है। इसका कोई आपको मतलब कोई ग्रीसिंग वगैरह नहीं करानी होती है, क्योंकि ये जो बियरिंग आती है वो टोटली क्लोज्ड आती है और ऑलरेडी जो ग्रीसिंग रहती है इसमें ऑलरेडी रहती है, तो मतलब ख़राब होती है तो इसमें साउंड आता है पहिए में से। जब जितनी तेज़ चलती है गाड़ी, या तो आपका पहिया जो है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है, हिलता है थोड़ा सा, आप उसको जो है जैक से उठा के देख सकते हो। और ये प्रोसेस जो है पूरा चेक करने का, इसकी एक अलग सेपरेट वीडियो मैं जो है आप सबके लिए लेके आने वाला हूँ। दूसरी चीज़ ये थी, इसमें ये प्रॉब्लम थी कि पहिया हिल नहीं रहा था इतना ज़्यादा, कुछ इसमें जो है आपको हिल नहीं रहा था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही थी वो थी इसमें साउंड की। ये हमिंग नॉइस करता था और भूं भूं करके आवाज़ करता था, जितनी तेज़ गाड़ी चलाओगे उतना ही ये जो है आवाज़ करता था। तो बेसिकली मैं यही सारी चीज़ें जो हैं आज की इस वीडियो में आप सबके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो दोनों ही पहियों की हम जो है पहिए को खोल देंगे, उनके स्क्रूज वगैरह को सारे को जो बाहर निकाल लेंगे। ब्रेक डिस्क जो है आपकी, जिस पे आपके ब्रेक पैड हैं, इस वीडियो में हम ब्रेक पैड भी साथ में चेंज कर देंगे, क्योंकि इस गाड़ी के जो है लगभग घिस भी चुके हैं, तो उनको भी हम साथ में रिप्लेसमेंट कर देंगे। फॉकर में से जो नट होते हैं बेसिकली, वो जो है आपको कोशिश कीजिए अगर पॉसिबल हो सके, वैसे तो महंगे आते हैं, तो चेंज करा दीजिए, क्योंकि क्या है रस्टिंग की वजह से और पुराने होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जो कि हम इस गाड़ी में करेंगे। ऑल दो हम नटों को चेंज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं थी उतनी, इस वजह से हम जो है इन्हीं को लगाएंगे। लेकिन फ्यूचर में जब भी शॉकर का काम होगा तो हम उसको जो है नए से रिप्लेस कर देंगे। ब्रेक डिस्क को हम अलग करेंगे पहले पार्ट में, और अभी इसमें और चारों पेचकों को खोल करके ब्रेक डिस्क अलग होने के बाद हमारा व्हील हब रह जाएगा, उसको एक्सल से अलग करेंगे। और शॉकर, फ्रंट शॉकर जो फ्रंटी व्हील में दिक्कत है, रियर में दिक्कत नहीं है, तो फ्रंटी व्हीलों का जो है हम दोनों को खोल रहे हैं, तो हम जो है शॉकर को भी अलग करेंगे। शॉकर को मतलब लगा रहने देंगे, बस नीचे से अलग नट को खोल देंगे, नट और बोल्ट का जो सेटअप है पूरा उसको खोल देंगे और एक्सल से अलग कर देंगे, तो हमारा जो व्हील हब है पूरा अलग हो जाएगा। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जो है ये काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गए थे इसके नट वगैरह, इसलिए थोड़ा सा लंबा था, और आप लोगों की कहने की वजह से ही जो है मैंने आपको जो है वीडियो में फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ। तो पूरा प्रोसेस आप बेइंतहा से आप जो है बिल्कुल आराम से जो है आप पूरी तरीके से देखिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। स्किप वगैरह जो भी आपको करना है या स्पीड बढ़ा के आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। तो बस इस पार्ट में हम जो है दोनों को खोल देंगे और बाकी देखते हैं व्हील हब कैसे देखने को आपको मिलते हैं। तो वीडियो में आप सब बने रहिए लास्ट तक।
बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस यही था, आज हमने क्वेल उनको खोला है। अब नेक्स्ट मैं आपको व्हील जो बियरिंग है उसकी अनबॉक्सिंग कर दूंगा आपके सामने, मतलब SKF की मैं लगा रहा हूँ इसमें व्हील बियरिंग बेसिकली, तो ओरिजिनल है ऑल्दो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो ओरिजिनल लगा रहा हूँ टाटा की ही। टाटा में भी ज़्यादातर SKF ही आता है, इसलिए मैंने SKF को थोड़ा सा प्रेफरेंस दे दी, डायरेक्ट SKF की ही मैंने जो है बियरिंग ले ली। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, नेक्स्ट पार्ट में आप जो है पूरा लेथ मशीन वाला काम देखने वाले हैं, तो बस बने रहिए लास्ट तक आप वीडियो में। अगले पार्ट के लिए बहुत जल्द मैं लाऊंगा, कोई ज़्यादा बड़ी वेटिंग नहीं करने वाला हूँ इस पर, जल्दी जल्दी मैं एडिट करके इसको भी सेकंड पार्ट को आपको बहुत जल्दी पब्लिश करूँगा, 2-3 दिन में कोशिश करूँगा, मैक्स टू मैक्स आपको 1 वीक के अंदर दूसरा पार्ट भी हम आप सबको अवेलेबल करा देंगे। और बस यही था आज का, और चैनल को प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आप देखना पसंद करते हैं तो आप प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। www.motororigin.com को भी आप जो है वहाँ पर जाकर के, मैं काफ़ी सारे आर्टिकल्स वगैरह पोस्ट करता हूँ, तो आप उसको भी देख करके थोड़ा सा इन्जॉय कर सकते हो। तो अगर एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूँगा हमेशा की तरह, अगर 2-व्हीलर चलाते हो तो हेलमेट ज़रूर पहनिएगा, 4-व्हीलर चलाते हो तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाइएगा, इट डजेंट मैटर आपकी गाड़ी में एयरबैग हैं या नहीं है, और राइड सेफ। और बस यही है कि अभी तक पैंडेमिक चल ही रहा है तो 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, ये सारा हिसाब किताब तो चलता ही है, लेकिन आप जो है गाड़ी चलाते हो तो सेफ्टी को बरतना ना भूलिएगा, हेलमेट वगैरह जो है सारे इक्विपमेंट्स वगैरह का इस्तेमाल किया करिए, और ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। धन्यवाद।